everyone, this is Mansi from Evidyati Church in coming to exercise 2.7 question number 1. So now we have to find 0.4 divided by 2. अभी तक हमने ऐसे multiplication में किए थे, अब हमें इसे divide करना है. So let's start. First part is 0.4 divided by 2. 0.4 को आपको 2 से divide करना है. So 0.4 का अगर मुझे decimal remove करना है, so मैं इसे 4 upon 10 लिख सकती हूँ, because decimal के बाद एक number है, तो नीचे हमने एक 0 लगा दिया. Divided by 2. अब ये fraction में है, और ये 2 upon 1 लिख दिया हमने. अब दो fraction में है, इसको अगर मुझे divide करना है, तो कैसे करते थे हम? अगर fraction में दो numbers हैं, उनको आपको divide करना है, तो हम जो पीछे वाला number है, उसका reciprocal कर देते थे. So अगर ये 2 upon 1 है, तो ये हो जाएगा 4 upon 10 multiply, divide की जगह multiply, और 2 by 1 की जगह 1 by 2 हो जाएगा, इसका reciprocal हो जाएगा. So this will give me 4 into 1 is 4, 10 into 2 is 20. So ये हो गया 4 upon 20. अब मैं इसको cut कर सकती हूँ, 4 और 20. अब मुझे cut इस तरह से करना है कि नीचे मेरे पास 10, 100, 1000 इस तरह से आए, so that मुझे इसे point में convert करना easy हो जाए. So 4 और 20, 2 के table से अगर मैं cut करूँ, so this will be 2, 2 is a 4, and this will be 10, because 2 into 10 is 20. So ये आ गया 2 upon 10. अब आपके पास नीचे 10 आ गया, आप इस 2 को decimal में convert कर सकते हो. कैसे? यहाँ पे एक 0 है, मतलब decimal के बाद एक number चाहिए. ऊपर हमारे पास एक digit है, so decimal यहाँ लगेगा, because decimal के बाद मुझे एक digit चाहिए. So ये हो जाएगा 0.2. So the answer is 0.2. अब इसके second part पे आते हैं. Second part is 0.35 divided by 5. Same तरीके से यहाँ पे point है, सबसे पहले decimal remove करेंगे, so ये हो जाएगा 35 upon 100. 100 क्यों होगा? Because decimal के बाद दो digit हैं. So, divided by 5. 5 का मतलब 5 upon 1. अब मुझे इसको divide करना है. दोनों fraction में है. So, divide करने के लिए 35 upon 100 multiply reciprocal of this. So, इसका reciprocal करेंगे, ये हो जाएगा 1 upon 5. So, now this will be 35 into 1 is 35 and 100 into 5 is 500. अब मुझे फिर से इसे कट करना है, लेकिन इस तरीके से कि नीचे में बस 10, 100, 1000 हो. दो जीरो हैं, तो हम इसे 100 बना सकते हैं अगर मैं इसको 5 के टेबल से कट करूं. ऊपर वाला भी 5 के टेबल से कट हो रहा है. So this will be 100, because 5 into 1, 5, और साथ में दो जीरो. So 5 के टेबल में 35 कब आता है? 5 into 7. Fine. So ये हमारे पास आ जाएगा 7 upon 100. ठीक है? अब नीचे मेरे पास 100 है, तो मैं 7 को डेसिमल में लिख सकती हूँ. डेसिमल में लिखने के लिए 100 means 2 0, this means कि डेसिमल के बाद दो डिजिट चाहिए. So, एक डिजिट ऑलरेडी है, एक मुझे 0 लगाना पड़ेगा, so that डेसिमल के बाद 2 0 हो जाए. So, the answer will be 0.07. Fine. अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे. Now, third part is 2.48 divided by 4. अब आपको 2.48 को divide करना है 4 से. So this will be 248 upon 100 multiply. अब हम direct कर रहे हैं इसका reciprocal. इसका reciprocal क्या हो जाएगा? 1 upon 4. समझ आया? हमने ये step लिखा नहीं है, but किया वही है. Point हटाया, नीचे 100 लगा दिया, एंड डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दिया रेसिप्रोकल करके. अब अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 248 अपॉन 4 इंटू 1 4 एंड 2 0, सो ये आ गया 400. अब इस 400 को मुझे 100 बनाना है, सो 100 बनाने के लिए मुझे 4 से करना पड़ेगा. सो अगर मैं इसको 4 से करके 100 लाती हूँ, सो मुझे ये भी 4 से करना पड़ेगा. सो 4 के टेबल में 2 तो आएगा नहीं, 24 आता है. 4 के टेबल 24 कब आता है? 6 सा. देन 8 आता है 2 सा. सो दिस विल कम एज 62 अपॉन
100। अब 62 अपॉन 100 को मैं डेसिमल में चेंज कर सकती हूँ। एंड कैसे करेंगे हम, नीचे दो जीरो है मतलब डेसिमल के बाद दो डिजिट, तो यहाँ पे ऑलरेडी दो डिजिट है, तो मतलब इन दो डिजिट से पहले मुझे डेसिमल लगाना है, तो दिस विल बी 0.68। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 65.4 डिवाइडेड बाय 6। अब आपको 65.4 को डिवाइड करना है 6 से, तो फिर से हम ऐसे ही करेंगे, दिस विल बिकम 654 अपॉन 10। अपॉन 10 क्यों आया, बिकॉज डेसिमल के बाद एक नंबर है, मल्टीप्लाई बाय 1/6। अब हमने इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन कर दिया और लास्ट वाली टर्म का रेसिप्रोकल कर दिया, सो दिस विल गिव मी 654 इंटू 1 इज 654 अपॉन 6 वन्स आर 6, साथ में 0, फाइन। सो दिस इज 654 अपॉन 60। अब हमें 60 को 10 बनाना है, तो मुझे 6 से कट करना पड़ेगा, दिस विल बी 10 बिकॉज 6 इंटू 10 इज 60। इसको जब कट करेंगे तो मैं आपको डिवीजन करके दिखाती हूँ, 6, 6, 5 एंड 4। सो नाउ इसको अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ, सो दिस विल बी 6 वन्स आर 6, 5। अब 6 से 5 के टेबल 5 तो नहीं आ सकता 6 के टेबल में, सो हमें इसे छोटा लेना है, तो या तो आप कर सकते हो 6 0s are 0, अदरवाइज आप जो 7 वाला है उसको भी नीचे उतार सकते हो लाइक दिस, और अगर हम दोनों एक साथ लेते हैं तो हमें ऊपर 0 लगाना पड़ता है, सो बोथ वेज आर करेक्ट। नाउ 54, 6 के टेबल में 54 कब आता है, 6 9s are 54, 5। तो इसका मतलब कि 6 के टेबल में 654 कब आएगा, 109 पे, तो हम इसको कट कर सकते हैं एंड दिस विल बी 109। सो इक्वल्स टू हो गया 109 अपॉन 10, सो यहाँ पे आ गया 109 अपॉन 10। सो अब इसको यहाँ पे मुझे 0 है नीचे, तो मैं इसको डेसिमल में लिख सकती हूँ, डेसिमल में लिखने के लिए 0 मेरे पास 1 है, सो डेसिमल एक डिजिट से पहले लगेगा, सो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो मैंने 9 से पहले डेसिमल लगा दिया, सो दिस इज 10.9, द आंसर इज 10.9। सो नाउ लेट्स डू द रिमेनिंग पार्ट्स। सो नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है 651.2 डिवाइडेड बाय 4। अब 651.2 को आपको 4 से डिवाइड करना है, सो अगेन 651.2 अपॉन 10। 10 क्यों आया, बिकॉज डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डिवाइडेड बाय 4, या डायरेक्ट आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे क्योंकि हमने 0 लगा दिया है। 6512 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 1/4, क्योंकि इस 4 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 6512 इंटू 1 इज 6512 अपॉन 10 इंटू 4 40। ठीक है, अब मुझे इसको ऐसे कट करना है कि नीचे 10 आ जाए, सो 10 लाने के लिए मैं इसे 4 के टेबल से कट कर सकती हूँ, दिस विल बी 10, एंड इसको अगर मैं 4 के टेबल से कट करूं, सो हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 6512 4 के टेबल में 6 नहीं आता, सो हम 4 1s are 4 कर सकते हैं, दिस विल बी 5 और ये हो जाएगा 25। सो 4 के टेबल में 25 से छोटा क्या आता है, 4 6s are 24, 1 नीचे आ गया, 25 minus 4 is 1, सो 4 के टेबल में 11 से छोटा क्या आता है, 4 2s are 8, सो नाउ 11 minus 8 is 3, इसको नीचे ले आएंगे, ये हो जाएगा 32, सो 4 के टेबल में 32 आता है, 4 8s are 32, सो दिस विल बी 1628। हमने इसे कट किया और ये आ गया 1628। जब इतने नंबर आपको बड़े लगे और नॉर्मल आपको लगे कि मैं ऐसे करूंगी तो गलत हो जाएगा, सो यू शुड गो फॉर डिवीजन। ठीक है, सो अब हमारे पास आ गया 1628 अपॉन 10। अब इसमें डेसिमल लगाना बहुत इजी है, नीचे 0 है मतलब डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए,
सो हम इसको लिख सकते हैं 162.8। ठीक है, सो नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 6 हियर। सो दिस इज 14.49 डिवाइडेड बाय 7। इसका पॉइंट हटाते हैं सबसे पहले, ये हो जाएगा 14.49 अपॉन 100, दो जीरो आएंगी बिकॉज डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 7 का रेसिप्रोकल हो गया, राइट। सो ये हो जाएगा 1449 अपॉन 1449 इंटू 1 इज 1449, 100 अपॉन 100 इंटू 7 700। सो ये आ गया 1449 अपॉन 700। अब इसको मुझे इस तरह कट करना है कि नीचे 100 आ जाए, तो मुझे 7 की टेबल से कट करना पड़ेगा। ये आ गया 100 एंड 1449, लेट्स डू दिस। Let's divide this with 7. So this is 7 2's are 14. नीचे आया 4. अब 7 के टेबल में ना 4 आता है ना 4 से छोटा आ सकता है. So 9 भी साथ में उतार लेंगे, और अगर दो एक साथ आपने नीचे लाए हो सो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा. So 49 7's are 7 7's are 49. So ये हो जाएगा 207. तो इसको अगर मैं कट करूंगी सो ये आ गया 207 अपॉन 100, 207 अपॉन 100 है, 100 मीन्स 20, 20 का मतलब डेसिमल के बाद दो डिजिट, सो दिस विल बी 2.07, डेसिमल के बाद दो डिजिट। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट में वी हैव 3.96 डिवाइडेड बाय 4। अब आपको 3.96 को डिवाइड करना है 4 से, सो दिस विल बी 396 अपॉन 100, 100 बिकॉज डेसिमल के बाद दो डिजिट, दो जीरो, मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 का रेसिप्रोकल डिवीजन हो गया मल्टीप्लीकेशन। नाउ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 396 बिकॉज 396 इंटू 1 इज 396 अपॉन 4 इंटू 100, 400। अब मुझे इसे 100 बनाना है, सो मींस मुझे इसे 4 के टेबल से करना पड़ेगा ताकि ये 100 आ जाए। नाउ इसको 4 के टेबल से करते हैं, सो 4 के टेबल में 39 नहीं आ रहा, 3 तो आ ही नहीं सकता, 39 से छोटा क्या आता है, सो दिस विल बी 36, 9 जा 36। अब मैंने 39 की जगह 36 लिया है, सो 37, 38, 39, 3 बचा आपके पास और साथ में क्या है 6, ये हो गया 36। सो ये आ जाएगा फिर से 9, मींस 99 अपॉन 100। ठीक है, अब यहाँ पे 100 है, दो जीरो है, ऊपर पॉइंट लगाना है दो डिजिट से पहले, सो द आंसर विल बी 0.99। Now, let's come to the last part, that is the 8th part, 0.80 divided by 5. So, आपको 0.80 को divide करना है 5 से. So, again, 80 upon 100, 100 क्यों? आप सबको बताएं, decimal के बाद 2 digit मतलब 2 0, multiply by 5, reciprocal हो जाएगा 1/5, ठीक है? डिवीजन में ना मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई, 80 इंटू 1 इज 80, 100 इंटू 5 इज 500। ठीक है, अब इसको 5 के टेबल से कर देंगे, ये हो गया 100, अब 5 के टेबल में 80, सो 5 के टेबल में 8 कब आता है, 1 जा, अब हमने 8 की जगह 5 लिया है, सो 5 से 7 8 3 आ गया, दैट इज 30, 30 कब आता है, 6 आ, सो ये हो गया 16 अपॉन 100, 16 अपॉन 100 मतलब नीचे दो जीरो हैं, तो आप यहाँ पे ऊपर डेसिमल लगा सकते हो, दो डिजिट से पहले, दो डिजिट है इससे पहले लगा दिया, सो दिस विल बी 0.16, सो द आंसर इज 0.16।